CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमृतसर व्यास के एक गांव में शराबी पिता ने अपनी 7 साल की बच्ची को पेड़ से लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना में डीएसपी हरकृष्ण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शमशान घाट के पास एक पेड़ से 7 साल की बच्ची का शव लटकता मिला। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि आरोपी पिता शराब पीने का आदि है। उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन शराब की लत के कारण परिवार में अक्सर क्लेश रहता था। इसी कारण पति पत्नी अलग रह रहे थे। पत्नी अपनी 2 लड़कियों और 1 बेटे के साथ मायके में रह रही थी। आरोपी की इसी तरह अपनी 5 साल की बेटी को ससुराल से अपने साथ ले गया। शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो मां ने तलाश शुरू कर दी और गुमशुदा के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद रैया शमशान घाट के पास मासूम का शव मिला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक इनफॉरमेशन मिली थी कि एक ध्यानपुर नहरा के किनारे किसी बच्ची की डेड बॉडी लटक रही है, जो असी मौके पर जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। लड़की के माँ के बयान से असी एक पर्चा दर्ज किया है, जिसे दोषी उस लड़की का बाप ही पाया गया है, जिसके संबंध में साड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚਲੋ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।